we are going to talk about class 4 chapter number 9 halves and quarters. Halves and quarters ka kya matlab hota hai? Half means aadha, quarter means 1/4. Theek hai? Ab Mintu cat aur Motu cat were friends. Once ek bar hi unhone chapati Malini ki kitchen mein se chapati chori kar li. Mintu kehta hai use main lunga, Motu kehta hai nahi ise main lunga. Wo dono is baat pe ladne lage. उसके बाद टीटू मंकी आता है, वो कहता है हाय प्रॉब्लम क्या है, आप दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हो? वो कहते हैं कि हमें ये चपाती को डिवाइड नहीं करना आ रहा कि हम किस तरीके से डिवाइड करें. कैट्स कहती हैं, तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं इस चपाती को डिवाइड कर दूंगा इक्वली सो दैट आप दोनों को इक्वल शेयर मिल जाए. तो अब टीटू ने, आप इस पिक्चर में देख सकते हो क्या क्या उसने चपाती को डिवाइड कर दिया. अब ये कहते हैं दीज आर नॉट इक्वल, लेफ्ट पार्ट इज बिगर. मिंटू एंड मोटू सेड ओह नो प्रॉब्लम आई विल मेक इट इक्वल. टीटू कहता है ही देन कट अ पार्ट ऑफ द लेफ्ट पीस एंड एट इट, तो उसको खा जाता है. तो अब एक जो एक का हाफ देखेंगे आप तो इक्वल कितना हो जाएगा, जब वो बिल्कुल सेंटर से कट होगा. तो हाफ पोर्शन इसको मिल गया और हाफ पोर्शन इसको मिल गया, राइट? ठीक है. अब वो कहते हैं कि अब ये मैंने हाफ पीस खा लिया, सो नाउ इज इट इक्वल? ओ नाउ द राइट पार्ट इज बिगर. अब वो कहते हैं देखो इसका तो राइट पार्ट बिगर है, ये छोटी होगी और ये बड़ी है. तो कैट्स रोने लग जाती हैं. आई एम सॉरी टीटू कहते हैं, ही कट अ पार्ट फ्रॉम द बिगर पीस. अब इसमें से थोड़ा सा पार्ट वो और खा लेते हैं, काटते हैं और खा लेते हैं. वेन देर वॉज ओनली स्मॉल पीस रिमेनिंग, फिर इसके बाद सिर्फ छोटा सा पीस रह जाता है. वो कहते हैं ये तो अब मेरा शेयर है क्योंकि मैंने इतना आपका काम किया. टीटू फटाफट से वो लास्ट पीस भी खा के पेड़ पे चढ़ जाता है. ठीक है, तो ये स्टोरी थी. अब वो कहते हैं हाफ हाफ, इफ द कैट्स आस्क यू टू डिवाइड द चपाती इक्वली हाउ विल यू डिवाइड इट. अगर आपको कैट्स कहते हैं कि आपको इन चपातीस को डिवाइड करना है इक्वली, तो आप किस तरह से डिवाइड करोगे? अब मैं किस तरह से डिवाइड करूंगी मैं बताती हूँ. आई विल फोल्ड द चपाती इन टू हाफ्स. मैं इस चपाती को पहले इस तरीके से फोल्ड कर दूंगी, इस तरीके से, राइट? एज अ सर्कल वॉज फोल्डेड इन प्रीवियस चैप्टर. जिस तरह हमने प्रीवियस चैप्टर में सर्कल को फोल्ड किया था ना सेंटर लोकेट करने के लिए, उसी तरीके से हम चपाती को फोल्ड करेंगे. एंड देन आई विल टीयर देम अपार्ट फ्रॉम क्रीज लाइन. फिर मैं उसकी जो वो क्रीज लाइन होएगी वहाँ से उसको टीयर ऑफ कर दूंगी. ठीक है, तो ये इक्वली इस तरह बन जाएगी. इफ़ यू डू नॉट चीट लाइक टीटू द कैट्स विल हैव दीज पार्ट्स, राइट? बिल्कुल सही. अब वो कह रहे हैं टू मोर कैट्स कम फॉर फूड, अगर दो और कैट्स आ जाती हैं फिर आप एक चपाती को कैसे डिवाइड करोगे? अब टोटल कितनी कैट्स होगी हमारे पास? फोर कैट्स. तो अब हमें किस तरह डिवाइड करना है? हम उसको डिवाइड करेंगे क्वार्टर में. किस तरह? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फोल्ड द चपाती इन टू हाफ्स. ठीक है, पहले हम इस तरह से फोल्ड, एक सेकेंड, पहले हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ये फोल्ड कर दी. देन अगेन आई विल फोल्ड इट इन फर्दर टू हाफ्स. अब मैं यहाँ से इसको फिर से फोल्ड करूँगी इस तरीके से. एज वी फोल्डेड द सर्कल इन फोर इक्वल पार्ट्स टू लोकेट द सेंटर, देन आई विल टीयर ऑफ द चपाती. फिर मैं इन चारों पीस को टीयर ऑफ करूँगी अच्छे से तोड़ के क्रीज लाइन से, फिर मैं उन चारों कैट्स में डिवाइड कर दूंगी. सो वन पोर्शन, सेकेंड पोर्शन, थर्ड पोर्शन एंड फोर्थ पोर्शन. ठीक है, इसलिए इस तरह कैट्स को डिवाइड हो जाएगा. वो कह रहे हैं हाफ ऑफ मैनी पीसेज. रानी को ये चॉकलेट दी, शी डिवाइडेड इट इक्वली. उसने इक्वली डिवाइड किया और हाफ रीना को दे दिया. अब हाफ कितना हुआ? ये सिक्स पीसेज है, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो हाफ कितना हुआ? 6 का हाफ, ये 1/3, ये 3 पीसेज. सर्कल द पोर्शन दैट रीना गॉट. तो ये वाला जो हाफ पोर्शन है वो उसने रीना को दे दिया. ठीक है, उसके बाद हाउ मैनी पीसेज ऑफ चॉकलेट आर देयर. टोटल कितने पीसेज हैं? 6 पीसेज हमने अभी काउंट किए. देर आर 6 पीसेज ऑफ चॉकलेट. हाउ मैनी पीसेज वर लेफ्ट विद रानी. रानी गेव हाफ ऑफ हर चॉकलेट टू हर फ्रेंड रीना. रानी वॉज लेफ्ट विद द रिमेनिंग हाफ, दैट इज 3 पीसेज. ठीक है, रानी को हाफ ऑफ हर चॉकलेट दिया रीना को, और रानी के पास अब कितना था? रिमेनिंग हाफ, 3 पीसेज रह गए थे. मैनी शेप्स फ्रॉम अ हाफ शीट. अब इसमें क्या है, एक पीस पेपर का लिया, उस शीट को 2 इक्वल ट्राइंगल्स में कट कर दिया. ठीक है, अब उन दो ट्राइंगल्स को शेड करा अलग अलग कलर में. अब वो कह रहे हैं आपको डिफरेंट शेप्स बनानी है इन ट्राइंगल से. तो एक शेप ये इन्होंने करके बना के दिखाई हुई है, उसके बाद एक शेप हमने ऐसे बना दी.
एक ट्रायंगल यहाँ रखा और एक ट्रायंगल यहाँ, रेड कलर ये, ग्रीन कलर यहाँ रखा। दूसरी शेप हम इस तरह बना सकते हैं, एक ट्रायंगल इधर और एक ट्रायंगल इधर, फिर दो ट्रायंगल्स को हम इस तरह रख सकते हैं। तो ये थ्री शेप्स हैं जो आप बना सकते हो। मैनी वेज टू कट इन टू हाफ्स, वो उसने रेक्टेंगल को टू इक्वल पार्ट्स में कट करा, ईच पार्ट इज़ हाफ, वी राइट इट एज 1/2, ठीक है, दैट मीन्स वन पार्ट ऑफ अ टू। तो अब वो कह रहे हैं कि ड्रॉ फाइव डिफरेंट वेज। अब हमने इन ये रेक्टेंगल के कुछ पीसेस दिए हैं जिनको हमने हाफ बना के दिखाना है कि किस तरह कहाँ से इनका हाफ हो जाएगा, ठीक है। फाइव डिफरेंट वेज में हमने इस रेक्टेंगल को करना है। देखो अगर इस रेक्टेंगल को हम सेंटर से करते हैं तो ये दोनों पीस सेम है, ये इक्वल आ रहे हैं ना, तो इस तरीके से फर्स्ट वे हो गया। सेकेंड वे अगर हम यहाँ बिल्कुल सेंटर से यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे इसके, तो भी यहाँ से तो भी ये इक्वल हो जाएगा। फिर यहाँ से बिल्कुल एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक लेके जाएंगे तो भी इक्वल होगा। फिर ऊपर से नीचे तक लेके आएंगे तो भी इक्वल। फिर यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे तो भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। कैन यू चेक इफ दे आर इक्वल? यस दे आर इक्वल। अब हमने क्वार्टर्स बनाने हैं इसी तरह ही, क्वार्टर मीन्स 1/4 पार्ट। तो वो किस तरह बनाएंगे ये देखो, मैंने आपके लिए ऑलरेडी एग्जाम्पल्स करके दिखा रखे हैं किस तरह कर रहे हैं। जैसे ये है इस तरह, हमने ये क्वार्टर बन गया। अब ये 1/4 मतलब चार पीसीज में करना है उसको डिवाइड, तो वो क्वार्टर बन जाएगा। अब इसके 1, 2, 3, 4 पीसीज बन गए। अब इस तरह करेंगे तो भी 4 पीसीज बनेंगे, 1, 2, 3, 4। इस तरह इनको कट करेंगे तो भी ये 1, 2, 3, 4 पीसीज में डिवाइड हो गया। इस तरह करेंगे तो भी ये 1, 2, 3, 4 पीसीज में डिवाइड हो गया। कैन यू चेक इफ़ दे आर इक्वल? कटिंग ऑफ अ रेक्टेंगल इन फोर इक्वल पार्ट्स इज शोन इन फिगर, एज ईच पार्ट एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विद द ईच ऑफ द रिमेनिंग थ्री पार्ट्स, सो दे आर इक्वल। देखो ये वाला पार्ट बिल्कुल इक्वली कोइंसाइड कर रहे इससे, दैट मीन्स दे आर इक्वल। तो चारों पार्ट्स जो भी है वो इक्वली जब कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक रखेंगे तो बिल्कुल इक्वली आएंगे। अगर इक्वली आएंगे तो इट मीन्स वो आपको समझ आ जाएगा कि येस दे आर इक्वल, ठीक है। अब वो केक को कट करना है। रजनी के फादर केक लेके आए, उन्होंने केक को चार पार्ट्स में डिवाइड किया, राजू के लिए, अपने लिए, अपने ब्रदर के लिए, अपने फादर और मदर के लिए, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कलर करना ईच शेप विद डिफरेंट कलर्स, ये आप खुद से घर पे कर सकते हो कलर। हाउ मच डज ईच गेट? अब एक केक है राउंड में तो ये पोर्शन सबको मिले, तो हर एक को कितना मिला? 1/4। ईच पर्सन गेट्स 1/4 ऑफ द केक। सपोज़ ये मेरा हुआ, ये मेरे भाई का, ये मेरे मम्मा का और ये मेरे पापा का, तो मेरे पास कितना शेयर आया? 1/4। भाई के पास कितना है? 1/4। मम्मा के पास कितना है? 1/4। और पापा के पास भी 1/4। तो हम लिखेंगे ईच पर्सन गेट्स 1/4 ऑफ द केक। मदर गेव हर शेयर ऑफ केक टू रजनी, मम्मा ने क्या किया और रजनी को अपना शेयर दे दिया कि तू मेरा भी खा ले, ठीक है। कलर द टोटल पार्ट दैट रजनी विल गेट। अब रजनी को कौन सा मिलेगा? रजनी को अपना पोर्शन भी मिला, ये वाला पोर्शन भी, और उसकी जो मम्मा ने पोर्शन दिया था वो वाला भी मिला, तो टोटल रजनी को ये पोर्शन मिला। तो बाय दिस वे रजनी गॉट हर शेयर प्लस अ मदर्स शेयर, 1/4 + 1/4 इज इक्वल टू हाफ पार्ट ऑफ केक, 1/2 पार्ट ऑफ केक उसको मिल गया। आउट ऑफ 4 पार्ट्स रजनी विल गेट - पार्ट्स, कितने पार्ट्स? एक ये पार्ट मिला और एक ये पार्ट मिला, तो मतलब 2 पार्ट्स, विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द केक। सो यू कैन राइट इट एज हाफ भी लिख सकते हैं और 2/4 भी लिख सकते हैं, सो विल राइट 2/4। अब रजनी के मदर इससे पहले कि अपना शेयर देते रजनी को, उनके पास सिर्फ हाफ केक बचा था विच वॉज 1/4 ऑफ द टोटल केक। कलर द शेयर राजू गॉट। अब राजू को कौन सा शेयर मिला? राजू को मिला ये वाला 1/4 शेयर, क्योंकि ये वाला तो उसका उनका हो गया। हाउ मच ऑफ द केक डू रजनी एंड राजू टुगेदर गेट? कलर देयर टोटल शेयर। अब देखो रजनी को ये वाला शेयर मिला था और राजू को ये मिला था, तो अब हमें टोटल शेयर को कलर करना है। तो आप रजनी का जो शेयर है वो रेड कलर से सपोज आपने कलर कर दिया, और राजू का जो शेयर है वो आपने ग्रीन से कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ऑल दो दे गेट ऑल टुगेदर दे गेट 3 पार्ट्स ऑफ आउट ऑफ 4, 1, 2, 3, तो कितना हो गया? 3/4 केक का हो गया। ग्रीडी कुंडू, कुंडू एक ग्रीडी मैन था, लालची था। जब भी वो मार्केट में जाता था उसे और से और चाहिए होता था, बट वो ज़्यादा खर्चना नहीं चाहता था पैसे। एक बार ही क्या हुआ, उसने पम्पकिन कद्दू का हलवा उसे खाना था, पर वो कद्दू खरीदने जाता है जो कि 10 रुपीज़ का था। वो कहता है कि फर्स्ट पम्पकिन
ही हैज़ द फर्स्ट पम्पकिन सेलर द प्राइस ऑफ अ बिग पम्पकिन। वो फर्स्ट जो पम्पकिन पे सबसे पहले पे बेच रहा होता है, वो उससे पूछते हैं कि ये बड़े वाले पम्पकिन का क्या प्राइस है। फर्स्ट पम्पकिन सेलर कहते हैं कि 1/4 ऑफ दिस पम्पकिन इज़ फॉर ₹10, कि जो इस पूरे कद्दू का 1/4 पार्ट है वो ₹10 का है। तो फुल पम्पकिन का कॉस्ट क्या हुआ? अब अगर 1/4 पीस कॉस्ट ऑफ 1/4 पम्पकिन इज ₹10, तो एक पूरे का क्या हुआ? 10 × 4, मतलब 10 को हम डिवाइड करेंगे 1/4 से, तो 10 × 4 ₹40 का आ गया। अगर 1/4 पार्ट ₹10 का है, तो 10 + 10 + 10 + 10 कितना हुआ? ₹40। कुंडू, ₹4 10 यू शुड गिव मी हाफ ऑफ दिस पम्पकिन। वो कहता है कम से कम मुझे आधा आप कद्दू तो दो। तो सेलर कहती है कि आप अगले सेलर पे चले जाओ। तो वो कहते हैं कि मुझे आधा कद्दू तो दो ₹10 में कम से कम, मैं सिर्फ गुड क्वालिटी का ही पम्पकिन रखती हूँ। तो वो कहती है आप आगे जाके लो, वो आपको शायद हाफ के जी दे सकते हैं पम्पकिन ₹10 का, ठीक है। तो कुंडू अगले सेलर पे जाता है और वो पम्पकिन देखता है। वो पूछता है कि ₹10 का कितना पम्पकिन? तो वो सेकंड पम्पकिन सेलर कहता है कि आधा दे दूंगा। तो अब फिर अगर वो आधा ₹10 का दे रहा है, तो फुल कितने का देगा? सो यू लेट इफ कॉस्ट ऑफ हाफ पम्पकिन इज ₹10, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ फुल पम्पकिन इज 10 + 10, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1, ठीक है। आधा और आधा जब हम पूरा करेंगे तो वो एक बन जाता है। तो फुल पम्पकिन कितने का हुआ? 10 + 10 ₹20 का, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि आप मेरे को 3/4 क्यों नहीं दे सकते? तो सेकंड पम्पकिन सेलर कहता है कि भाग जाओ यहाँ से, यहाँ पे तो इतना ही मिलेगा, वो अगले वाले पे चले जाओ, बहुत बुरी वेजिटेबल्स देता है, वो शायद आपको पूरा पम्पकिन ₹10 में दे देगा। तो वो भागता है वहाँ पे कि चलो मैं वहीं से लेता हूँ। वो सेम साइज़ का वहाँ से पूछता है कि क्या ये तुम मुझे अपना ₹10 का दे दोगे? वो पम्पकिन सेलर कहता है व्हाई डोंट यू क्लाइम द रूफ ऑफ दैट हाउस, यू कैन गेट पम्पकिन फ्री फ्रॉम द प्लांट। वो कहता है कि तुम उस जो घर की छत पे क्यों नहीं चले जाते, वहाँ से तुम्हें फ्री के मिल जाएंगे। तो कुदू कुदू बहुत खुश होता है और वो वहाँ पे छत पे चढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल दिए, अब प्राइस लिस्ट की एग्जाम्पल है। वो कहते हैं हाउ मच दिस, ये आपको ये प्राइजेस दे रखे हैं उन्होंने कि ये टमाटर का रेट है, पोटैटो अनियन कैरेट पम्पकिन का 1 kg के अकॉर्डिंग ये प्राइसेस हैं, ₹8, 10, 12, 16, ₹4। वो कह रहे हैं हाउ मच दिस हाफ के जी ऑफ टोमेटोज कॉस्ट, टोमाटो का प्राइस क्या है? ₹8, पर कितना है? पर के जी 1 kg। तो हाफ के जी कितना होगा? 8/2, तो आंसर आ गया ₹4, ठीक है, आंसर आया ₹4। विच कॉस्ट मोर, वो कह रहे हैं ज़्यादा किसकी कॉस्ट होगी, आधा किलो अनियंस की, हाफ के जी ऑफ अनियंस की, या 1/4 kg ऑफ कैरेट्स की? तो उसके लिए पहले हमें अनियन और कैरेट्स का प्राइस देखना होगा। अनियन है ₹10 के और कैरेट्स है ₹16 के, तो हाफ के जी अनियन कितने के हुए? अगर फुल के जी 10 के हैं तो हाफ हुआ ₹5 का, कैरेट फुल 16 के हैं तो 1/4 कितना हुआ? 16/4, तो मतलब आ गया ₹4, ठीक है। तो अब चार ₹4 ज़्यादा है कि 4 5 रुपीज़ ज़्यादा है? तो ऑब्वियसली प्राइस ऑफ हाफ के जी ऑफ अनियंस इज मोर देन कॉस्ट ऑफ 1/4 ऑफ कैरेट्स। तो ₹4 से ज़्यादा तो ₹5 है ना, तो अनियंस का प्राइस ज़्यादा हुआ। वो कह रहे हैं 3/4 kg ऑफ पोटैटोज़ का प्राइस क्या है? पोटैटो 1 kg ₹12 के हैं, तो 3/4 कितना हुआ? 12 × 3/4 ₹9, 36/4 ₹9। कह रहे हैं कीर्तु इज गोइंग फॉर शॉपिंग के लिए जा रही है, उसके पास सिर्फ ₹20 हैं, कैन शी बाई ऑल द थिंग्स इन अ शॉपिंग लिस्ट, ठीक है। अब वो अगर ₹20 है तो हम उससे क्या ले सकते हैं? टोमेटो अगर हमने हाफ लिया ₹4 का पड़ा, पोटैटो हमने ₹12 के हैं तो हम 1/4 लेके देखते हैं ₹3 के, अनियन ₹10 के हैं वो हम हाफ के जी लेते हैं ₹5 के, कैरेट 16 के वो भी हम 1/4 लेंगे ₹4 के, पम्पकिन पूरा ₹4 के तो 4 का लेके देखते हैं। तो अब टोटल कितना बना? 4 + 3 + 5 + 4 + 4 जो बन गया ₹20, ठीक है। तो इस तरह हमने ₹20 में सारी चीज़ें खरीद ली। वो कहने खुद से आपको कोई क्वेश्चन बनाने हैं तो देखो कि क्या क्वेश्चन बना सकते हो। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि हाउ मच पोटैटो शी कैन बाय विद द टोटल, पम्पकिन शी कैन बाय विद द टोटल मनी, कि कितना कद्दू खरीद सकती है ₹20 के साथ। हाउ मच पम्पकिन कैन शी बाय विद द टोटल मनी। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 2 kg अनियंस, कि 2 kg अनियंस की क्या कॉस्ट होगी, ठीक है, ये क्वेश्चन बना सकते हैं। उसके बाद आता है प्रैक्टिस टाइम। विच पार्ट ऑफ द होल इज कलर्ड राइट बिलो ईच शेप? तो ये वाला है हाफ पार्ट, तो राइट हाफ पार्ट, और शेप क्या है? ट्रायंगल।
ठीक है, ट्रायंगल, और ये हाफ पार्ट है, और 2/4, तो ये है शेप रेक्टेंगल। ठीक है, कलर द पार्ट ऑफ द शेप विच इज रिटन बिलो। अब इसमें हमें हाफ को कलर करना है, तो हाफ पार्ट क्या होगा, ये हाफ पार्ट बन रहा है, इस पार्ट को पूरा कलर करना है। अब ये हमें 3/4 पार्ट कलर करना है, तो ये पूरे थ्री, कोई भी थ्री पीसेस को कलर करना, और 4th पार्ट ऐसे ही छोड़ देना, ये इसको कलर नहीं करना। तो ये बन गया 3/4। अब ये इसका 3/4 कैसे बना, ये सारा इसको कलर करके। 1/4 इसमें कैसे बनेगा, किसी भी एक पार्ट को कलर करना है। हाफ कैसे बनेगा, ये 6 है, 1 2 3 4 5 6, 6 × 1/2 कितना होता है, 3। तो हमें इसमें कोई भी 3 पीस कलर करने हैं, ये 3/4, यहाँ पे 4 पीसेज हैं, इसको पहले हम इसमें डिवाइड करेंगे और फिर 3 पीसेज इसके कलर कर देंगे। ठीक है, अब वो कह रहे हैं हाफ में ड्रॉ लाइन विच डिवाइड दीज शेप्स इन टू हाफ। अब हमें ड्रॉ करनी है लाइन जिससे हमारा शेप को हाफ में हो जाए। अब ये बिल्कुल सेंटर में देखो, इसका सेंटर कहाँ से बन रहा है, यहाँ से, तो बिल्कुल सेंटर में कैसे जाएगा, इस तरीके से, इसका सेंटर यहाँ से जाएगा, ये देखो यहाँ से, इसका सेंटर बिल्कुल यहाँ से जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमें सेंटर से करना है। कलर हाफ द नंबर ऑफ द शेप्स एज शोन बिलो। अब इसमें क्या करना है, सपोज अगर 10 पिक्चर्स बनी हुई हैं, तो 10 में से 5 को कलर करना है। अब ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 में से इन्होंने कितनों को कलर कर रखा है, हाफ, 8 का हाफ कितना होता है, 4, 1 2 3 4, 4 को कलर कर रखा है, 4 को छोड़ा हुआ है। तो अब इसी तरीके हमें नीचे देखना है ये वाली फिगर में कि इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 का हाफ क्या हुआ, 9, तो हमें किन्हीं 9 को कलर करना है। ठीक है, मैंने ये 9 को कलर कर रखा है, आप इस तरह कर सकते हो। अब नीचे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फ्लावर्स हैं, तो 10 का हाफ क्या हुआ, 5, तो हमें 5 फ्लावर्स को कलर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 1/4 करनी है, 1/4 मीन्स हाफ नहीं, मतलब आधा नहीं, 1/4 करनी है। सपोज ये 4 पिक्चर्स हैं बनी हुई, तो 4 में से कितने को हमने, 1 को कलर करना है, तो हमने कर दिया। अब ये कितनी है नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का 1/4 कितना हुआ, 8 का 1/4 हुआ 2, तो हमने कर दिया 2 को कलर। ठीक है, अब नीचे 4 हैं, तो 4 में कितना, 1/4, 1 क्यूब को कलर कर दिया। तो इस तरीके से अब मैच करना है कलर्ड पार्ट एज शोन। ये देखो, अब ये वाला जो है, इसमें कितना कलर पार्ट है, 1 2 3 4, 3/4 में 4 में से 2 पीसेस कलर्ड है, तो मतलब हाफ पीस, तो हम क्या करेंगे, इस पे हाफ पे उन्होंने करके दिया, और हाफ कैसे लिखते हैं, 1/2। अब इसमें से कितना है, 1/4 का रखा है, तो 1/4 कितना होता है, क्वार्टर, और लिखते कैसे हैं, ये देखो नीचे, 1/4, तो हम कैसे करेंगे, 1/4 पे लेके जाएंगे इसे। ठीक है, यहाँ पे अब ये पूरा का पूरा है, तो पूरे को क्या कहते हैं, होल, होल मीन्स पूरा, तो यहाँ पे हम होल लिखेंगे, और होल पूरा आएगा 4/4, क्योंकि सारे पार्ट्स कलर्ड है। अब ये 3/4 है, देखो 1 2 3 कलर्ड है, 3/4, तो 3/4, एंड विल राइट इट एज 3/4। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद मेक द अदर हाफ, तो इस तरह से आपको ये आधे मैंने कर रखे हैं ड्रॉ, सेम एज इट इज़ आपको ये ड्रॉ करने हैं। दिस इज़ अ क्वार्टर, ये एक पिक्चर का क्वार्टर बना के रखा हुआ है, कैन यू कम्प्लीट इट, येस वी कैन कम्प्लीट इट, हाउ मैनी मोर क्वार्टर्स विल यू ड्रॉ टू कम्प्लीट इट, वी विल ड्रॉ 3 मोर क्वार्टर्स टू कम्प्लीट इट। ठीक है, अब आपको इसे येलो को उसे कलर करना है, जैसे ये क्वार्टर बना हुआ है, सेम इसी तरह इधर क्वार्टर और इधर क्वार्टर, और फिर इसी तरह येलो कलर से इसको पूरा कलर करके यहाँ पे ऐसे से येलो से करना है। ठीक है, पूरा आपका सन बन जाएगा। हाफ एंड क्वार्टर्स ऑफ अ मीटर, अब वो एक मीटर स्केल लिया उन्होंने, और उसको ऑन दिस स्ट्रिंग उन्होंने हाफ मीटर क्लिक मार्क कर दिया, 1/4 और 3/4 मार्क कर दिया। इस स्ट्रिंग को लेके यूज करके वो एक ड्रॉ कर रहे हैं लाइन लेंथ की, हाफ मीटर की फ्लोर के जितनी। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स लॉन्ग इज द लाइन, देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर्स, ये लिखा हुआ है। अब 100 का हाफ कितना हुआ, 50 सेंटीमीटर्स, सो द लाइन इज 50 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। ठीक है, हमें हाफ करना है क्योंकि उन्होंने हाफ मीटर पूछा है। उसके बाद हाफ मीटर हो गया, हमने करके दिखा दिया, 100 × 1/2 50 आ गया, 1/4 मीटर आ गया, 100/1/4 तो कितना है, 25 सेंटीमीटर, 100 का 3/4 कितना होगा, 100 × 3/4, सॉरी सो सॉरी सो सॉरी
एक सेकेंड, हाँ तो ये आ गया। गया 75 सेंटीमीटर 100 × 3/4 करके, ठीक है। 1 मीटर कितना हुआ, 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर का 3/4 कितना हुआ, 75 सेंटीमीटर। कैन यू सी दैट व्हेन वी ऐड 1, 2 एंड 1/4 वी गेट 3/4। यस, हाफ और 1/4 को जब ऐड करोगे तो कैसे आएगा, 4, 2 + 1, 3/4। वी कैन सी दैट वी गेट 3/4 बाय एडिंग 1, 2 एंड 1/4, ठीक है। अब मिल्क शेयर करना है, दिस बॉटल, ये पूरी एक फुल मिल्क से, दिस बॉटल इज़ फुल ऑफ मिल्क, इसमें पूरा दूध भरा हुआ है और 1 लीटर की बॉटल है, ठीक है। अब हमने 4 अलग बॉटल्स ली हैं, मिल्क को इस तरह से हमने इन 4 बॉटल्स में डालना है कि सब में 1/4 आए, ठीक है। तो कितना आएगा, शेयर द बॉटल्स टू शो द लेवल ऑफ, देखो ये बॉटल यहाँ तक 1 लीटर है, तो 1/4 कितना होगा, 1, 2, 3, तो 1/4 के अकॉर्डिंग हाफ हाफ, ये 1/4, ये 1/4 और ये 1/4 हो गए पूरे कंप्लीट, ठीक है। सो रिमेंबर 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ मिल्क डज ईच बॉटल हैव, 1000 × 1/4, तो आ गया 250 मिलीलीटर। अब शान ने पोर किया 1 लीटर ऑफ मिल्क इनटू 2 बॉटल, सो दैट फर्स्ट बॉटल होल्ड 3/4 और दूसरी बॉटल में 1/4। अब हमें इन्हें शेड करना है, एक में 3/4 और एक में 1/4, तो कितना हुआ, 1, ये 1 फर्स्ट पार्ट था, हमने इतना कर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 4th तक तो यहाँ हो गया, तो हमने 3/4 करना है, तो मतलब 3/4 आ गया यहाँ तक, तो हमने यहाँ तक इसको कलर करना है। हाउ मेनी मिली लीटर ऑफ मिल्क डज ईच बॉटल होल्ड, फर्स्ट बॉटल विच होल्ड 3/4 लीटर ऑफ मिल्क हैज, इसमें कितना हुआ, 750 मिली लीटर, और सेकेंड बॉटल में कितना हुआ, सेकेंड बॉटल विच होल्ड 1/4 लीटर हैज 250 मिली लीटर्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 250 मिली लीटर्स ऑफ वाटर। उसके बाद हमने बैलेंस करना है वेट को, ये इस तरह है, ये आपको कुछ दे रखे हैं अलग अलग तरह के वेट्स, ठीक है। ये जैसे एक, तो इस तरह आपको बैलेंस करना है, ये मैंने आपको दिखा दिए, ये फर्स्ट है 1 kg, 500 ग्राम, 500 ग्राम, ये 2 kg बन रखे हैं, तो 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम, तो इसको हमने अगर करना है वेट बैलेंस करना, तो उधर भी 2 किलो रखना पड़ेगा, इधर भी 2 kg रखना पड़ेगा। तो 2 kg किस तरीके से बनता है, अलग अलग ऑप्शंस हैं, ये मैंने आपको दे दिए, 1 kg 500 ग्राम और 500 का मिला के भी 2 kg बनेगा, 1 kg 500 ग्राम, 300 ग्राम, 200 ग्राम मिल के भी 2 kg बनेगा। तो ये आप सारे ऑप्शंस हैं, मैंने ये इस तरह लिख दिए, तो आप ये एज इट इज़ लिख सकते हो, ठीक है। ये 8 ऑप्शंस बनते हैं, ये आप एज इट इज़ लिख सकते हो। उसके बाद वो कह रहे हैं हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू बैलेंस दिस वेट ऑफ 3/4। अब 3/4 को हमने करना है, 3/4 कितना होता है kg, 750 ग्राम, तो 500 और 250 ग्राम का मिलके 750 बनेगा, 250 प्लस 250 प्लस 250 भी 750 बनेगा, 250 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 100 भी 750 बनेगा। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये रॉन्ग क्यों है, ये हमारा लास्ट पेज है। कनन शेडेड सम पार्ट्स एज शोन, बट हिज फ्रेंड मिनी सेज दैट इट इज़ रॉन्ग, एक्सप्लेन वाई इट इज़ रॉन्ग। अब इस केस में क्या हुआ, उसने फोल्ड करा इसको, इन द केस ऑफ रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल में द 4 डिविजन्स आर नॉट ऑफ इक्वल साइज, सो कैन नॉट बी सेट द शेडेड पार्ट इज हाफ। देखो अब ये साइज है इनका हाफ करने पे, ठीक है, मतलब इक्वली वो करने में, और ये कितना बड़ा है, सो द 4 डिविजन्स आर नॉट ऑफ इक्वल साइज की नहीं है, ये इक्वल है पर ये वाला इक्वल नहीं है, सो इट कैन नॉट बी सेट द शेडेड पार्ट इज हाफ, शेडेड पार्ट इक्वल नहीं है। अब ट्राइंगल में क्या हुआ है, इन केस ऑफ ट्राइंगल द लाइन इज नॉट एट द मिडल, देखो मिडल ये इस तरह ये ट्राइंगल का बनता, तो इट इज़ नॉट इन द मिडल, सो क्लियरली द शेडेड पार्ट इज नॉट हाफ, ठीक है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। अब नीचे ये प्रैक्टिस टाइम है, 60 मैंगोज हैं, हाफ ऑफ देम आर राइप, हाउ मेनी मैंगोज आर राइप, तो 60 का हाफ करेंगे यहाँ पे, कितना बना, 60 का हाफ बन गया 30, देर आर 32 चिल्ड्रन, हाफ गर्ल्स हैं और टोटल कितने हुए बॉयज, तो नंबर ऑफ गर्ल्स 32 / 2 आ गया 16, और बॉयज कितने हुए, 32 में से 16 माइनस कर दिया तो बचे बॉयज 16। 20 स्टार्स है, क्वार्टर ऑफ देम आर रेड, हाउ मेनी स्टार्स आर रेड, टोटल स्टार्स 20 हो गए, रेड स्टार्स कितना है, क्वार्टर, तो 20 का 1/4, 5 स्टार्स, और नॉन रेड कितने हुए, 20 में से 5 माइनस किए तो 15। अब रवि ने पेंसिल चाहिए थी, उसकी 2 रुपीज़ की थी, उसने 1 रुपी कॉइन दे दिया और 1/2 रुपी कॉइन दिया और 1/4 दिया, तो इज़ इट इनफ, अब हमें चेक करना है, तो पेंसिल कितने की है, 2 रुपीज़ की,
और मनी जो उसने दी है वो ₹1 दिया है, 0.50 दिया और 0.25 पैसा दिया है, तो आया 1.75। तो सिंस ₹2 इज़ मोर देन 1.75, तो देयरफॉर ये मनी जो है वो इनफ नहीं है, 1.75 इज़ नॉट इनफ।